कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो भाई आज का व्लॉग बनने जा रहा है हमारा कालीबाड़ी मंदिर का, जो पड़ता है मिंटो रोड पे। तो भाई बताया गया वहाँ पर हर नवरात्रों में माता रानी का पंडाल सजा जाता है, तो भाई और वहाँ पे गरबा की भी व्यवस्था की जाती है। तो भाई मेरा और चेतन भाई का प्लान है आज वहाँ जाने का, तो भाई चलते हैं चेतन भाई के घर और लेते हैं चेतन भाई को और सीधे पहुँचते हैं मिंटो रोड कालीबाड़ी मंदिर के। जय माता की बोल के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जय माता की। भाई हो चुके हमने चेतन भाई रेडी, चलते हैं। आए हम भी आ रहे हैं हाथ जोड़ के, सरप्राइज करे, लाइक करे। ना सरप्राइज नहीं होता, वो होता है। तो भाई अब पहुंच चुके हैं हम अपने मिंटो रोड कालीबाड़ी मंदिर पे, अब चलते हैं पंडाल के अंदर और देखते हैं वहाँ की क्या है व्यवस्था। जय माता की। तो भाई ये है माता रानी का काली मंदिर। सबसे पहले तो कर लेते हैं माता रानी के दर्शन और फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का पंडाल। जय माता की। तो भाई यहाँ से हो रही है हमारी एंट्री और सामने ही है माता रानी की मूर्ति। सबसे पहले आपके यहाँ हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी और वहाँ माता रानी की मेन मूर्ति है और यहाँ साईं बाबा जी की और शिव जी की। आप पीछे देख सकते हो माता रानी की मूर्ति है पीछे। अब चलते हैं बाहर और मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का पंडाल। पंडाल के साथ ही में माता रानी का मंदिर बना हुआ है यहाँ और यहाँ लगा हुआ है सारा डेकोरेशन और खाने पीने का सारा सामान। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी कोलकाता डिश यहाँ पे बनी हुई है। चाय कॉफी का भी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और मूर्ति वगैरह का भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। चश्मे वगैरह और घड़ी वगैरह का भी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है और भी बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर सुंदर बैग लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे ये नेकलेस भी मिल रहे हैं। डेकोरेशन का भी काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा है यहाँ पे और ये देख सकते हो जो बंगाली नेकलेस होते हैं ना वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हो मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिल रही हैं। हैंडमेड सामान है जो मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सारा लकड़ी का सामान और ये प्रसाद का भी कुछ सामान यहाँ पे मिल रहा है, सारा बंगाली आइटम यहाँ पे मिल रहा है जो ओनली आपको कोलकाता में देखने के लिए मिलता है। ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल है। स्टोर के ओनर और ये लगा हुआ है इनका यहाँ पर इंस्टाग्राम फॉलो पेज और फेसबुक का फॉलो पेज। काफ़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। क्या प्राइस होता है मैम इनका? डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स। अच्छा, स्टार्टेड फ्रॉम 299 to 2099। ओके ओके, तो काफ़ी कॉस्टली भी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सारे हैंडमेड है। देख सकते हो मेले की तरह यहाँ पर ये रिंग वाला भी सिस्टम लगा हुआ है, इसके बगल में बंगाली स्वीट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंगाली स्वीट्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो भाई जैसे ही आप वहाँ से आएंगे आपको इस कोने पे दिख जाएगी ये शॉप,
जो कि विश्वास में ताकत गुस्सा कंट्रोल करने का स्पेशल छल्ला सिर्फ 51 रुपये में। देख सकते हैं आप इस तरह के काफ़ी सारे छल्ले यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये अंकल जी का कार्ड, किसी भाई को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता हो तो वह यहाँ से आके सब तरह के छल्ले लेके जा सकते हैं। ये हमारे अंकल जी, और इस सेक्शन में सारा आपको यहाँ पे मीट का भी सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली फिश एंड चिकन, क्योंकि काली माता का मंदिर है और काली माता का ही पूरा पंडाल लगा हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड भी मिल रहे हैं। खाने पीने का भी काफ़ी सारा आइटम है, मलाई चाप भी है, वेज भी है और नॉन वेज भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारा नॉन वेज है और इधर वेज है। इस तरह पर आपको दिल्ली 6 का मुगलई फूड भी मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा चिकन का आइटम है, बाकी इस पर है तो नहीं है अभी कोई फिलहाल, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। बाकी देखते हैं भाई लगा हुआ है तो कोई ना कोई खा ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज़्यादा बंगाली लोग आए हुए हैं, तो भाई नवरात्रि में भी बिक रहा है यहाँ पर सब कुछ। इस सेक्शन में यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा मोमोज वगैरह और पनीर ब्रांड भी यहाँ पर काफ़ी सारे मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। मिठाइयाँ हैं, सारी स्वीट्स हैं, और इधर कुल्फी का भी पूरा स्टॉल बना हुआ है, और भी आलू चाट वगैरह सब चीज़ है यहाँ पे, जयपुरी सुपारी एंड चूरन सब चीज़ है भैया यहाँ पे। बंगाली का पूरा हिसाब किताब बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ चूरन्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ये हमारे चूरन वाले भैया जो रगड़ा बना रहे हैं। खाने पीने की आपको यहाँ कोई कमी नहीं पड़ने वाली, यहाँ पे देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है, और मदर डेयरी का भी यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह सब चीज़ें जो हैं मिल रही हैं। तो भाई अब चलते हैं माता रानी के पंडाल की तरफ, यहाँ पे माता रानी की भव्य चौकी लगी हुई है, और यहाँ पे कुछ चौराहा भी आपको दिखाते हैं। तो भाई यहाँ लगा माता रानी का पंडाल, आप देख सकते हैं पूरा दरबार बना हुआ है। गणेश जी की भी मूर्ति है और माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति है और माँ दुर्गा की भी और माँ सरस्वती। माता रानी के दर्शन करके हम घूम रहे हैं यहाँ का, एंजॉय कर रहे हैं मेला। भाई यहाँ पे आके ना एक चीज़ बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन दे रही है कि चल रहे हैं नॉर्थ पे, सामने लगा हुआ कबाब रोल वो लगे हुए देखो, मुगलई खाना भी मिल रहा है वो भी जामा मस्जिद वाले, हाँ उधर को जा रहे हैं तो खुशबू आ रही है। क्या अटपटी सी चीज़ है, कुछ समझ नहीं आया माता रानी के पंडाल में। अगर आपको समझ आया तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। माता रानी के इस पंडाल के सामने आपको ये स्टेज लगा हुआ दिख जाएगा, आज तो यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, बताया ये जा रहा है कि अष्टमी वाले दिन यहाँ पे डांडिया का प्रोग्राम होने वाला है। पापा अगर आप आ रहे हैं तो भाई अष्टमी वाले दिन आए भाई, यहाँ 1940 से कंटिन्यू माता रानी का भवन लगता हुआ आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ भी वहाँ भी लिखा हुआ है, देखो 1940 से कंटिन्यू लगता हुआ आ रहा है। हमने माता रानी के दर्शन भी कर लिए और खूब इंजॉयमेंट भी कर लिया यहाँ पे, अब आ गया हमारा घर जाने का टाइम। भाई जय माता, जय माता। भाई एक चीज़ बड़ी मेरे को यहाँ पे पसंद आई, यहाँ पे ओल्ड टोटली
बंगाली लोग आए हैं, बंगाली। कुछ देर के लिए तो मुझे ये लग चुका था कि मैं कलकत्ता में आया हुआ हूँ। हैं देखो भाई, सब बंगाली है। रानी के दर्शन करके आ चुके हम बाहर, और ये अपने चेतन भाई बैठते हैं बाइक पे और चलते हैं घर। बोला साचे दरबार की जय, जय महाकाली। तो फाइनली दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद आ चुके हम अपने घर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके टाटा बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल को शेयर जरूर करना। और भाई जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय माता की जरूर लिखना। तो भाई जय माता की बोल के ख़त्म करते हैं अपना व्लॉग। जय माता की।